الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم صدر اجلاس मेहमानाने मेहमान खुसूसी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा के प्याम को और फिक्र को सुनने के लिए तशरीफ लाई हुई माए बहने और मर्द हजरात, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, अलम तरा कैफा ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलमे तय्यबा की मिसाल एक शजरे तय्यबा से बयान फरमाई है कि उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर है और उसकी शाखें आसमान से बातें कर रही हैं, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लाह के शुक्र के बाद सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद का नजराना पेश करते हुए, वो मौलाए कुल कहते हुए, वो सैयदुर रसूल कहते हुए, जिसने गुबारे राह को वादिय सीना का जोर बख्शा है, जिसकी ताबानी जिसकी रोशनी से जहां मुनव्वर है, जिससे हम और आप हैं, जिससे सब हैं, इबादत खुदा बुजुर्ग हुई बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर दरूद पेश करते हुए अपनी बात का आगाज हम करते हैं। हम नशीना ने बज़्म आज जिस शख्सियत का विलादत का दिन है, काश उम्मत उसको समझ जाती। वो मिल्लत का आज़ादार था, उम्मत का फरीजा है कि उसे याद करे। वो उम्मत मुहम्मदिया का पासदार था, उम्मत पर लाजिम है कि वो उसकी कदर करे, उसके ख्यालात की कदर करे। वो कौन था? हिंदुस्तान का फख्र इकबाल, इस्लामी दुनिया का हीरो इकबाल, फजलो कमाल का पैकर इकबाल, हिकमत व मारिफत का दाना इकबाल, कारवाने मिल्लत का रहनुमा और मुस्तकबिल साज इकबाल, खुदी का सिर नेहा इकबाल और खुदी का राजदां इकबाल, जिसने हिंदुस्तान में रह करके चश्मे बसीरत से ये महसूस कर लिया था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान। जब यूरोप गया तो खुदी के राज से उसने यूं पर्दा उठाया कि जमस्तानी हवा में गर्ज थी शमशीर सी तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर गाही। और जब आया तो खून जिगर की आमेजिश से ये गोया हुआ कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वो यूरोप में रहा नहीं बल्कि उसे महसूस किया, सब ताईद करते हैं तनकीद करते हैं, वो पेशनगोई कर आया कि यूरोप में बहुत रोशनी है इल्म हुनर है, हक ये है कि चश्मे हैवान बेचश्मे हैवा है ये जुल्मात, और तुम्हारी तहजीब आप ही अपने खंजर खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पाएदार होगा। उसका दीवान इकरा का सबक है, उसका दीवान नूर मुहम्मदी का परतव है, उसका दीवान ईमान की हलावत है, उसका दीवान अफगानी का जोश है, उसका दीवान सर सैयद का होश है, उसका दीवान टीपू का सरफरोश है, और सबसे बढ़ करके ऐ मुसलमान हर घड़ी पेशे नजर आया ला तुखलिफुल मियाद रख, ये लिसानुल असर का पैगाम है इन नवादल्लाह हक्कुन याद रख। हम नशीना ने बस मेरा उनवान जो तय किया गया है वो उनवान है अल्लामा इकबाल का नजरिए तालीम व तरबियत। ये उनवान जरा फिक्री उनवान है और इस उनवान का एक अहम जुज एक अहम पहलू हमारे दरमियान में मुअज्जज़ मौलाना सैयद शहाबुद्दीन नदवी साहब दामत बरकातहुम खुद ही के उनवान पर उस पर रोशनी डालेंगे। तो चूंकि ये उनवान थोड़ा
फिक्री है, इसलिए पुरजोश तकरीर के बजाय होश के साथ गुफ्तगू की जाए। और जैसा कि मोहतरमा ने इस्तकबालिया जुमले में बहुत कुछ कहा है, उसका जवाब इंशाल्लाह मुस्तकिल मिलेगा कि पिछले बज़्म में तारुफी गुफ्तगू थी और अल्लामा इकबाल के फिक्र का तारुफ था, तो होश के बजाय जोश गालिब था, लेकिन फिक्र और तालीम का उन्वान है तो उसके दो हिस्से करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। और जहां हमें यह महसूस हुआ कि पैगाम पूरा हो गया है, इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को हम वहीं मुकम्मल करना चाहेंगे। पहला हिस्सा तो थोड़ी सरसरी तौर पर नजर डाल ली जाए कि जैसा अभी इस्तकबालिया तकरीर में ये बात आई कि हिंदुस्तान के ऊपर, खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजीम जो एहसान है वो तीन पै दर पै शख्सियात अल्लाह ने अता करके अजीम एहसान फरमाया। अगर आज के दिन को यौम उर्दू के नाम से हम पूरी दुनिया में जानते हैं और मनाते हैं, तो कल जो आएगा वो मर्दान हुर्रियत के नाम से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत होगा, और परसों जो आएगा यौम तालीम के उन्वान से हमारे अजीज हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर तालीम मौलाना इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आएगा। इन तीनों शख्सियात की तालीमी नज़रियात एक ही हैं, और वो तीनों शख्सियात के तालीमी नज़रियात इश्क़े नबी, हुब्बे इलाही और कायनात की वसअतों में गुम हैं। इन तीनों चीज़ों को सामने रखा जाए तो सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक मुख्तसर सा खाका पहले आपके सामने आ जाना चाहिए, फिर दूसरा हिस्सा होगा कि उन्वान में इंशाअल्लाह आपके सामने तालीमी नज़रियात के ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हुए उनके कुछ अहम अशार को समझाने की हम कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी में जिन शख्सियात ने इस्लामी फिक्र और तहजीब और कल्चर और सकाफत पर ठोस इल्मी लिटरेचर पेश किया है, उसमें सबसे अजीमुशान नाम नामी अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा का आता है। 1877 ईस्वी से कल से लेकर 1938 ईस्वी के दरमियान में आपका दौर है। अल्लामा इकबाल ने 19वीं सदी में 20वीं सदी में वो काम अंजाम दिया जिसको 13वीं सदी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने 1207 और 1273 के दरमियान में अंजाम दिया था, जिसका जो मसनवी मौलाना रूम के नाम से मशहूर है। और अल्लामा इकबाल की जितनी किताबें हैं, जितने शेरी मजमूए हैं, उसमें से जो असल मरकज जिसको कहा जाए वो फारसी मजमूए हैं, लेकिन हम सब के लिए तो उर्दू मजमूए ही ऐसे हैं कि अगर उसे समझ लिया जाए तो इनकलाब बरपा हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने 1918 में पहले रुमूज़े बेखुदी, फिर उसके बाद 1932 में जावेद नामा, फिर 1936 में पश्चे बायत कर्द ए अक्वाम मशरिक, इन तीन किताबों के जरिए से मौलाना रूम की तहरीक को आगे बढ़ाया है। इन तीनों किताबों को देखा जाए तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की पूरी फिक्र और पूरे उनके नजरियात इन तीनों किताबों में आ जाते हैं। असरार खुदी में जुमूद और इन्हिताद की असल निशानदेही की गई, और तसव्वुफ पर यूनान और अजमी असरात की जो कश्मकश जारी थी इसके निशानदेही की गई और इसके तबाहकारियों को वाजे किया गया। जावेद नामा तो हर शख्स जानता है, बल्कि उसका तर्जुमा भी कम अज़ कम पढ़ना चाहिए, कि अल्लामा इकबाल के रूहानी सफ़र की दास्तान है जिसमें वो आलम अफलाक की सैर करते हैं और जहाँ वो रूहानी तौर पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से भी जाके मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात की दास्तान को जो शेरी कालब में आपने ढाला है उसका एक कता हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गेट पर भी मौजूद है कि उसकी मिट्टी हमसे और तुमसे ज़्यादा जिंदा है। अल्लामा इकबाल की शायरी का जो पहला दौर था वो 1900 से लेकर के 1905 तक का था, इसमें ज़्यादातर गज़लें और नज़में थी। दूसरा दौर 1905 से लेकर 1908 तक कहा जा सकता है, जब वो बाहर चले गए थे तालीम के लिए, तो उस जमाने में गोया एक तरह से शायरी छूट गई थी, लेकिन प्रोफेसर आर्नॉल्ड के
ईमा पर और अर्नाल्ड के कहने पर उन्होंने शायरी शुरू की, लेकिन जो यूरोप में देखा था और समझा था, अब उनकी जिंदगी का असल इनकास और रिफ्लेक्शन सामने आने लगा कि जमीर मशरिक है राह बाना, जमीर मशरिक है ताजराना। जमीर मशरिक यानी हिंदुस्तान और जजीर नुमा हिंद का मिजाज, रहबानियत वाला मिजाज है, और मगरिब वालों का मिजाज बिजनेस और तजारत है। वहां दिगर हुगू है लहजा लहजा, यहां बदलता नहीं जमाना। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी की खुद फरेबी। अमन से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। इस तरह की फिक्रें शुरू हुई। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल की शायरी आगे बढ़ती है और पूरी तरह से इस्लामी फिक्र की वो नुमाइंदगी करती है कि आज इस बज़्म में हम इस बात को यकीन से जान लें कि मौजूदा सदी में अल्लामा इकबाल की फिक्रों को अच्छी तरह से समझ लिया गया तो आज भी देर नहीं हुई है, आज भी देर नहीं हुई है। और ये देखें कि हर मैदान के लोगों के लिए शायर की खसूसियत ये होती है, या किसी भी तहरीर करने वाले की, कि वो एक खास लेवल के लोगों के लिए बात करता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि नौ साल से लेकर के 90 साल के लोगों के लिए कोई बात करता, और अल्लामा इकबाल की शायरी में हमें मिल जाएगा। आप देखिए, कौमियत का मिजाज जो तलाश रहे हो उनको अल्लामा इकबाल से बेहतर कौन शायर मिल सकता है जो ये कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। गैर कौमों के लिए, गैर कौम भी अगर उनके अंदर तलाश है तो भी बात मिल जाएगी कि नानक ने जिस जमीन पर वहदत का गीत गाया, चिश्ती ने उस जमीन पर पैगाम हक सुनाया। बच्चे अगर उनकी तलाश में जाएं तो बच्चों की तलाश में मिल जाती है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अदब नवाज हजरात के लिए अगर देखा जाए तो गुले रंगीन, अबरे कोहसार, आफ्ताब नौ, सुबह और शाम, शबनम, जौलानी, जवानी, ये सारे अल्फाज मिल जाएंगे। और फलसफे के लोग अगर तलाश में जाएं तो ओरिजन ऑफ लाइफ यानी माखज़े हयात, अंजामे हयात, शऊरे हयात, खुजी, इश्क और नफ्स सब कुछ मिल जाएगा। और मुअल्लिमीन और मुफक्किरीन और मर्द मोमिन जाएं तो अल्लामा इकबाल इतना कहते नजर आएंगे कि बस इतना ही काफी होगा कि तुराज़े कुन फकाहें अपनी आंखों पर आया हो जा, तुराज़े कुन फकाहें अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। या अय्युहल्लदीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लदीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ हतदैतुम, सूरतुल मायदा आयत नंबर 105। ऐ ईमान वालो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आप अपने जिम्मेदार हो। आफ्टर गेटिंग हिदायत एंड डायरेक्शन फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला, नोबडी कैन डाइवर्ट यू। आपको हिदायत पाने के बाद कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुराज़े कुन फका हैं अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हर कहे शामो सहर से जावेदा हो जा। तो ये था मुख्तसर तारुफ अल्लामा इकबाल के जिंदगी के तख्लीकी अनासिर का। अब जब हम नजर डालते हैं कि अल्लामा इकबाल इकबाल क्यों बने, तो ये बात मशहूर है और पिछली बज़्म में भी आपके सामने बात आई थी, और हर शख्स जानता है कि अल्लामा इकबाल की जो कंस्ट्रक्शन हुई, जो उनकी रचना हुई, जो उनकी तख्लीक हुई, वो पांच चीजों में थी। और ये वो पांच चीजें हैं जो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का डेवलप्ड सिस्टम हुआ करते हैं। कोई भी एजुकेशनल सिस्टम हो उसके 5 पिलर्स होते हैं डेवलपमेंट के। नंबर 1 क्या होता है, फेथ होता है। जो भी एजुकेशनल सिस्टम होगा, निजामे तालीम होगा, एक फेथ पर चलेगा वो कामयाब होगा। दूसरी चीज होती है गाइड बुक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना एजुकेशनल सिस्टम के लिए। तीसरी चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और चौथी चीज होती है स्ट्रगल, और पांचवी चीज होती है एक आइडियल और एक नमूना। ये पांच चीजें जिन एजुकेशनल सिस्टम में पाई जाती हैं, वो एजुकेशनल सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर इतना कामयाब होता है उसको कोई टच नहीं कर सकता। आज टॉपिक नहीं है, कुछ और उससे ना महसूस कीजिएगा, जहां तनकीदें हैं कुछ तारीफें भी होती हैं। कौम यहूद दुनिया भर मुट्ठी, पूरी दुनिया में मुट्ठी भर है, उसकी रिश्तेदारियां अपनी अलग जगह पर,
लेकिन वो मुट्ठी भर जमात सिर्फ बाकी इसलिए है कि उसका एक सिस्टम और इसका एक निजाम इतना मजबूत है कि कोई उसमें दखल नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल के तख्लीकी अनासिर में भी पांच चीजें थी। सबसे अहम तरीन चीज थी वो ईमान और यकीन। और ईमान और यकीन कैसा? ज़ौक हाजिर है तो लाजिम है ईमान खलील। ज़ौक हाजिर है तो लाजिम है ईमान खलील। कौन सा? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, वो वाला ज़ौक चाहिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम ने पांच कुर्बानियां दी थी। उन पांचों कुर्बानियों को बकरीद के मौके पर आप उलमा से सुन लीजिएगा। उसमें से सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ज़ौक हाजिर है तो लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन, तेरा कुर्ता जल जाएगा, बच नहीं पाएगा तू। तो ईमान और यकीन अल्लामा इकबाल का इतना अहम तरीन था कि कहा करते थे कि अजाब दानिश हाजिर से बाखबर हूं मैं। अजाब दानिश हाजिर मतलब दानिश हाजिर किसको कहते हैं? करंट एजुकेशनल सिस्टम को दानिश हाजिर कहते हैं। अजाब दानिश हाजिर से बाखबर हूं मैं, करंट एजुकेशनल सिस्टम क्या अजाब दे रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस आग में डाला गया हूं मिसल खलील। यूरोप में रहे थे वो कि इस आग में डाला गया हूं मिसल खलील। तो अल्लामा इकबाल का जो सबसे पहला पहलू था ईमान और यकीन। तो इससे मैसेज क्या मिलता है? एजुकेशनल सिस्टम के लिए फेथ, ईमान और यकीन एक लाजमी अंसर है। नंबर दो, अल्लामा इकबाल की तख्लीकी अनासिर के अंदर कुरान मजीद, और कुरान मजीद के ताल्लुक से तो हर शख्स जानता ही है कि अल्लामा इकबाल ने जो कुछ कहा है वो कलाम कुरान मजीद की तफसीर है। तीसरी चीज इरफान नफ्स, जिसको खुदी से ताबीर किया गया कि अपने आप को पहचानने का जज्बा, जिस पर जनाब मोहतरम सैयद शहाबुद्दीन साहब रोशनी डालेंगे। और चौथी चीज आहे सहरगाही, यानी सुबह उठना नींद को कुर्बान करना। जब रब्बुल इज्जत ने इस बात को कह दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन अल्लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअथका रब्बुका मकामन महमूदा, ये पूरे रुकू को पढ़िएगा, इसमें अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त सिस्टम बयान किया है कि हमारे तमाम मसाइल का हल इन्हीं तीन आयतों के अंदर है। हम ये कहते हैं कि बातिल दंदनाता फिर रहा है, बातिल क्यों नहीं नाकाम हो रहा है? हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रब ने फरमाया था कि रात की तन्हाइयों में चुपके चुपके रब से राजो न्याज तुम करोगे तो तुम्हें रब मकाम महमूद पर भेजेगा। और जब तुम मकाम महमूद पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारी ये जुर्रत होगी कि ये दुआ करो कि वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकियू व अखरिजनी मुखरज सिदकियू व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मुझे निकालिए अच्छी जगह, पहुंचाइए अच्छी जगह और सुल्तान और नसीर बनाइए। जब यह होगा तब ऐलान कीजिएगा वकुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, और जब यह होगा तो तुम्हारे लिए कुरान लाजिम हो जाएगा। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान ही शिफा देगा। अल्लामा इकबाल का आहे सहरगाही का मामला यह था कि अब्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। और पांचवी चीज अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा का मामला था। और अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा ने अल्लामा इकबाल की फिक्री तरबियत रूहानी इस तरह से की कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अलैहि रहमा ने सिद्क पेपर में 1942 में अल्लामा इकबाल के मुतालिक लिखा कि इकबाल हिंद का था, पयाम वो दे गया जो सदियों पेशतर एक रूमी दे गया था, शरह इस पयाम की जो दोनों के आका और सरदार अरब के उम्मी का वो पयाम था, और पयाम बंदों का नहीं था, बंदों के मालिक का पयाम था, अफजलुल बशर के मालिक का पयाम था। और वो पयाम ये था वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जियो मुसलमान बनकर, मरो मुसलमान बनकर और उठो मुसलमान बनकर। ये अल्लामा इकबाल के तालीमी नजरियात का अहम तरीन उनवान था। अब आइए दूसरे रुख पर। इकबाल को माहिर तालीम की हैसियत से पता नहीं हम लोग अब तक क्यों नहीं उनको हमने माना, जबकि दुनिया ने अपने उन लोगों के किसी एक ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हिस्सा ले लिया तो उसको बहुत बड़ा मकाम दे दिया, और यकीनन उन्होंने दिया तो आज वो जीत रहे हैं, जी रहे हैं। अल्लामा इकबाल को हम आमतौर पर एक शायर मशरिक या बहुत ज्यादा तो फलसफी या बहुत ज्यादा तो मुफक्किर की हैसियत से जानते हैं। अल्लामा इकबाल की शख्सियत के एक पहलू में यह बात भी आती है कि अल्लामा अली रहमा ने
निसाब के ऊपर भी तवज्जो किया था, निसाब के ऊपर भी तवज्जो किया था कि एक निसाब तालीम ऐसा बनना चाहिए कि उस निसाब तालीम में दीन और दुनिया की इस तरह से आमेजिश हो कि उसकी बुनियाद दीन हो। खास तौर पर इस्लाह निसाब में अल्लामा का जो दौर था, आपको मालूम है कि अल्लामा का जो दौर था उस वक्त अंग्रेजी निजाम तालीम यानी मगरबी निजाम तालीम छा चुका था और अल्लामा भी मगरब के माहौल से जाके वापस आ चुके थे। तो अल्लामा का ख्याल ये था कि मिल्लत के मकासिद से हम आहंग और दौरे जदीद की तकमील करने वाला निसाब बनना चाहिए। यह है हमारे स्कूलों मदरसों का निसाब असल हो। एक तो निजाम तालीम में साइंस और अरबी को आम किया जाए, यह पहला कॉन्सेप्ट था अल्लामा इकबाल का कि उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। हर शख्स जानता है कि 8वीं सदी ईस्वी से लेकर के 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान में सिसली को आबाद किया हमने, 750 साल तक स्पेन को ऐसी तरक्की दी कि स्पेन और बगदाद के लोग जो हैं वो यूरोप के उस्ताद बन गए और सारे उलूम का मंबा और मरकज अरबी जबान थी। अल्लामा इकबाल ने पहली मरतबा ये कॉन्सेप्ट दिया था, बल्कि उन्होंने शेख अजहर को एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि अरबी जबान और साइंस को एकजा कर दिया जाए ताकि अरबी जबान में साइंसी इस्तिलाहात अगर आ गई तो एक नई तहकीक सामने आएगी। और उसकी पुश्त में वो बात थी कि कुरान मजीद उलूम और साइंस का मरकज है जिसमें गाइडेंस साइंस की और टेक्नोलॉजी की और गौर व फिक्र की मिलती है। तो अरबी जबान का जानने वाला अगर कुरान मजीद की आयतों पर गौर करने लगे तो वो डिस्कवरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अल्लामा इकबाल का यह ख्याल था। और तीसरा ख्याल यह था कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लामिक जो कल्चर है वो यूरोप में पहुंचा है ओरिएंटलिस्ट के जरिए। ओरिएंटलिज्म कहते हैं इस्लामिक उलूम यानी इस्लामिक सब्जेक्ट पर जो यूरोप वालों ने रिसर्च किया उनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, उनकी रिसर्च को ओरिएंटलिज्म कहते हैं, जिसको उर्दू में इस्तिशराक कहा जाता है, अरबी में इस्तिशराक कहा जाता है। अल्लामा का यह कहना था कि हम उनकी रिसर्च को लेकर के रिसर्च नहीं करेंगे, अपनी ओरिजिनल रिसर्च डालेंगे। और अल्लामा इकबाल ने एक निसाब भी बनाया था, किसके लिए? एक उर्दू कोर्स बनाया था 6वीं 7वीं और 8वीं जमात के बच्चों के लिए, जो 1914-24 में अवध और पंजाब से यह कोर्स शाये किया गया था। फिर इसके बाद तारीख हिंद के नाम से उन्होंने मिडिल क्लास वालों के लिए कोर्स तैयार किया था और आईने अजम के नाम से उन्होंने उर्दू लिटरेचर का एक सिलेक्टेड सिलेबस तैयार किया था जो 1937 में लाहौर से शाये हुआ था हाई स्कूल वालों के लिए। फिर इसी तरह से बीए वालों के लिए भी एक सिलेबस बनाया था उन्होंने जो फारसी किताब के लिए 1932 के अंदर इंतखाबे नुकाते बेदिल के नाम से शाये हुआ था। और प्रोफेसरी के जमाने में अल्लामा इकबाल ने इकोनॉमी के ऊपर भी एक किताब शाये की थी जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद था, बहवाला इकबालियात सबके लिए, डॉक्टर फुरकान फतेहपुरी। इससे पता चलता है कि अल्लामा इकबाल इन तमाम चीजों के साथ साथ एक बात कहा करते थे अफकार और फलसफे खुदी के उनवान पर कि उसके सोर्स तक पहुंचने के लिए जो जरिया है वो जरिया तलबा और असाज़ा में खास काबिलियत पैदा करना है, वरना इस वक्त जो मिक्सिंग चल रही है यूनानी फिलॉसफी वेस्टर्न कल्चर की, इस मिक्सिंग के जरिए से हाल क्या होगी? हिंद में हिकमत दीन कोई कहां से सीखे, हिंद में हिकमत दीन कोई कहां से सीखे, न कहीं लज्जत किरदार न अफकार अमीक, हल्के शौक में वो जुर्रत अंदेशा कहा, आह महकूमी और तकलीद जवाले तहकीक। यह था अल्लामा इकबाल के का वो किरदार। और अल्लामा इकबाल के किरदार के साथ एक मरतबा उन्होंने ख्वाजा गुलामुस्सैदैन को खत लिखा, जब सवाल किया उन्होंने कि आप इल्म से क्या मुराद लेते, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नॉलेज, तो आपने कहा मेरी मुराद इल्म से वो है कि जिसका दारोमदार हवास के ऊपर है, मतलब जो हवास के ऊपर डिपेंड है और हवास पर डिपेंडेंसी में एक तबाही कुव्वत सामने आती है जिसको दीन के मातहत रहना चाहिए। हवास जो है दीन के मातहत रहना चाहिए, अगर हवास दीन के मातहत ना रहे तो शैतानियत आती है। अल्लामा इकबाल के इस बयान से साफ नजर आता है कि एजुकेशन के जो तीन पिलर होते हैं, एक एजुकेशनल सिस्टम, दूसरा एजुकेशनल करिकुलम
और तीसरा एजुकेशनल मेथोडोलॉजी, ये तीनों अल्लामा इकबाल के अशार में नजर आते हैं और अल्लामा इकबाल की जिंदगी में ये बात नजर आती है, जिसको अल्लामा इकबाल ने जरबे कलीम में तरबियत के उन्वान से ये समझाया। और से सुनिएगा, जरबे कलीम में अल्लामा इकबाल ने अपने इस कॉन्सेप्ट को यूं समझाया, जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। सुबह खाना पका, बासी खाना मिला कि ताजा खाना मिलो, उन्हों कैसे इन्हों कैसे, ये दिल दुखता रहता है। लेकिन इल्म में दिमाग जलता है, इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं, अपना सुराग अपने पहचान सामने नहीं आती। अहले दानिश आम हैं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर बहुत हैं, अपने दानिश अहले दानिश आम हैं, कमयाब हैं अहले नजर बहुत, अहले नजर बहुत कम हैं। क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा अयाग, तेरा प्याला खाली रह गया। शेख मकतब के तरीकों से कशादे दिल कहां, शेख मकतब जिसने अलिफ से अल्लाह को पहचान अबजद हुवज हुत्ती पढ़ा दिया, तो शेख मकतब के तरीकों से कशादे दिल कहां, किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग। नहीं समझे आखिरी वाला मिसरा, दिया सलाई दीजिए। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, शेख मकतब के तरीकों से कशादे दिल कहां, कहां दिल खुलेगा। अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं, क्वेश्चन लंबा नहीं किया जाएगा। जितने बातों में पैगाम पहुंच जाए अल्लामा इकबाल का और अमल का जज्बा पैदा हो जाए, उतनी काफी चीजें की जाएंगी। तो हम तस्करा कर रहे थे कि अब तक जितनी बातें आपके सामने आई, पहली बात कौन सी थी, अल्लामा इकबाल के तारुफ के सिलसिले में पहली बात कौन सी थी, पांच फाइव पिलर्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। पहला ईमान, दूसरा कुरान, तीसरा इरफान नफ्स खुदी, चौथा तहज्जुद और पांचवा मौलाना जलालुद्दीन रोमी। यानी किसी भी कामयाब एजुकेशनल सिस्टम के लिए पांच चीजें। दूसरा उनवान था अल्लामा इकबाल की जिंदगी के तारुफ में कि अल्लामा इकबाल ने निसाब के ऊपर भी काम किया था। तीसरा उनवान जब चल रहा था, उस तीसरे उनवान में चाय है ना, ये तो हाँ चाय है, हो गई ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा लय में आने दीजिए, फिर कुछ कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा आपके सामने ये देखिए, इसको मैच बॉक्स भी कहते हैं, माचिस भी कहते हैं, दिया सलाई भी कहते हैं। शेख मकतब के तरीकों से कशादे दिल कहां, किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग। ये बताइए, मैं इसको जलाऊं तो क्या बिजली का चराग जल जाएगा, कितना भी मैं जला जला के फेंक दूं तो क्या ये लाइट जल जाएगी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, किबरीत कहते हैं मैच बॉक्स को, अल्लामा इकबाल के यहां किबरीत, फारसी में किबरीत कहते हैं, माचिस को कहते हैं, किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि इल्म को बंद कर दिया गया सिर्फ एक मकाम पर, और दुनिया गुजारने का सलीका और तरीका और दुनिया की कयादत का तरीका नहीं सिखाया गया, तो वह एजुकेशनल सिस्टम नाकाम हो जाएगा। तो पहली चीज, अल्लामा इकबाल ने इल्म की वसात को ईमान से लेकर के अफलाक तक वो लेकर के गए। दूसरी चीज, अल्लामा इकबाल ने मगरिब के निजाम तालीम पर काफी तनकीद किया है, क्योंकि उनको बहुत करीब से मगरिब का निजाम तालीम देखने को मिला है था, वहां रह करके आए थे, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं मिसले खलील इस आग में डाल दिया गया हूं, और वहां से मैं तो छूट के आया हूं कि जमस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर सी तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर गाही। तो अल्लामा इकबाल वहां की अच्छाइयों को भी लेते थे, लेकिन जिस तरह से मेटेरियलिज्म और मादियत का गलबा था उसके सिलसिले में अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये मदरसा ये खेल ये गोगाए रवा रहो। इस शेर को जरा समझिएगा, हम समझाते हैं आपको। अल्लामा इकबाल के यहाँ जो लफ्ज मदरसे का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमसे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मदरसे से मुराद दीनी मदरसा और कॉलेज से मुराद कॉलेज। अल्लामा इकबाल के जमाने में डिग्री का मामला ही अभी नहीं आया था, मदरसा और कॉलेज के अलग होने का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से नहीं आया था, हर एजुकेशनल सिस्टम को मदरसा कहा जाता था। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, मगरिब की तरफ इशारा करते हुए,
कि ये मदरसा, ये खेल, ये गोगाए रवारो, यानी ये एजुकेशनल सिस्टम और ये खेल कूद और ये शोर और हंगामे, इस ऐशे फरावा में हर लहजा गम नौ, ये जो जिंदगी जा रही है हर दिन एक नए गम आना आ रहा है, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस हिल्म, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जाओ, यानी खाना पीना जिसका हासिल है वो जहर है नादा। अदब और फलसफा कुछ चीज नहीं है, असबाब हुनर के लिए लाजिम है तगो दो। हुनर चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, फितरत के नवामीस पे गालिब है हुनरमंद। नवामीस कहते हैं फितरत के अहकाम, अल्लाह तबारक ताला ने जो अहकाम दिए हैं उसके ताल्लुक से कहते हैं कि अल्लाह ने तकदीर को भी दो तरह से बनाया है। जो वल कदरी खैर ही व शर ही का लफ्ज है ना, उसको समझिए तब ये समझ में आएगा शेर। तकदीर को अल्लाह ताला ने, तकदीर जो है वो दो तरह की है, एक तकदीर मुबरम है, एक तकदीर मुअल्लक है। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोगों को ना? एक तकदीर मुबरम है, सील्ड है, क्या खाओगे, कब मरोगे, कितनी जिंदगी है, ये सील्ड है और अल्लाह चाहे तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के एतबार से अल्लाह ने तय कर दिया है। दूसरी तकदीर मुअल्लक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह ने इसका इशारा फरमाया है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अता रब्बिका, कि हर एक कोशिश करते हैं और जो कोशिश करता है वो पाता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फितरत के नवामीस पे गालिब है हुनरमंद, शाम इसकी है मानिंद सहर साहेब परतो, कि जो मेहनत करता है उसकी शाम भी उसके उसके सुबह की तरह चमकीली हुआ करती है। वो साहेब फन चाहे तो फन की बरकत से टपके बदने महर से शबनम की तरह जौ, कि जिस तरह से चांद की रोशनी आती है और शबनम की नमी, ये दोनों मिल जाए तो फिर साहेब फन हालात को अपने हाथ में उसे मोड़ लेता है। अल्लामा इकबाल ये भी कहा करते थे कि मगरिब के निजाम पे जो चीजें आ रही हैं, मगरिबी निजाम तालीम के सिलसिले में अल्लामा इकबाल उसकी मादियत से नाला थे, उसमें मेहनत से नहीं, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के से नहीं, लेकिन जो नौजवान नस्ल वहां से चीजें लेकर के आ रही थी वो हालत क्या थी, अल्लामा इकबाल कहते हैं खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। मुस्कुराहट तो आ रही तरक्की देख करके, लेकिन कभी कभी शिकायत भी करना पड़ता है, क्या हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और ये अहले कलीसा का निजाम एक साजिश है फकत दीनो मुरव्वत के खिलाफ, और उसकी जो वजूहात है अल्लामा इकबाल ने तफसील के साथ लिखी, और तफसील के साथ लिख करके अल्लामा इकबाल ने ज़र्बे कलीम में टीचरों को और असातिज़ा की तरबियत पर भी ध्यान दिया है। असातिज़ा की तरबियत पर क्या ध्यान दिया है, यहां तक कह दिया कि मकसद अगर हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, बदख्शां शहर है बुखारा का, और वहां के जो पत्थर हैं बड़े कीमती होते हैं, उसको लाल का नाम दिया जाता है। मकसद हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, अगर सूरज की रोशनी जिस वक्त जहां पढ़ना चाहिए वहां अगर ना पढ़ करके रात के 12 बजे सूरज निकल आए तो क्या फायदा, सही वक्त पे सही तरबियत ना दी जाए तो जाय हो जाएगी। ये मैसेज मिलता है, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा, क्या मदरसे वालों की तगोदौ, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के हैं पैरू। अल्लामा इकबाल की शायरी में एक बात यह भी मिलती है, एक जगह ये फरमाते हैं तलबा के मुतालिक, जो अपनी थॉट्स प्रोसेस को ईमान से हट करके दुनिया की चमक धमक में दिखाते हैं। अल्लामा इकबाल उनको कहते हैं, बल्कि अपने बेटे जनाब डॉक्टर जावेद जब छोटे से उनको लिखते हुए नौजवानों का खिताब करते हैं, कहते हैं कि गारते गरे दी है जमाना, है इसके निहाद काफिराना, दरबार शहनशी से खुशतर, शहनशाह के दरबार से बेहतर है मर्दान खुदा का आस्ताना। और ये कहते हैं कि जौहर में हो ला इलाह तो क्या खौफ, तालीम हो गो फरंगियाना, तालीम कुछ भी हो लेकिन दिल में ईमान और यकीन अगर है तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अगर ईमान चला गया तो अल्लामा इकबाल एक मरतबा झुंझुला कर कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की, तू किताब खां है मगर साहेब किताब नहीं। और फिर दूसरी जगह फरमाते हैं तालीम की असल के बारे में,
और वो क्या है, जरा सुनिएगा, क्या बंदिशें हैं और क्या पैगाम है तालीम का। फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, कोह का मतलब पहाड़ और दमन का मतलब उसके दामन की नदियां और हरियालियां। फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पर उकसाने लगा मुर्गे चमन। बरगे फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नवी बनता न बन अपना तो बन। फिर से सुनिए अल्लामा इकबाल का तालीमी पैगाम। अल्लामा इकबाल किस तरह से उठाते हैं बात को, कैसे धीरे से उठाते हैं, एक समा बन जाता है, गोया आप ऊटी की वादियों में सैर कर रही हैं। छुट्टियों में गई होंगी कई लोग, आप लोग भी गए होंगे, जाना चाहिए, नहीं तो आई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दामन में, वहां भी मिल जाएगा। फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको नगमों पर मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, मन की करोगे तो क्या होगा, माई लाइफ माई चॉइस। अल्लामा इकबाल ने किस जमाने में ये देखा था, नौजवानों की जो बात है, माई लाइफ माई चॉइस, तो अल्लामा कहते हैं मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाव है आता है धन जाता है धन, मन की दौलत में न पाया मैंने अफरंगी का राज। तुम्हारा मन जो है अपना है खुदी का है, तो अल्लामा कहते हैं मन की दौलत दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहन बरहमन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे नतन तेरा नमन। ये है अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम, कि जिस तरह से अल्लामा इकबाल झेल रहे थे उसी जमाने में अकबर इलाहाबादी भी झेल रहे थे। अल्लामा इकबाल और अकबर इलाहाबादी के राबते चलते थे। अल्लामा इकबाल अकबर इलाहाबादी के नाम खत लिखते तो अकबर इलाहाबादी कभी कभी अशार में जवाब देते। तो जो मगरबी निज़ाम था मादी निज़ाम, उसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने अल्लामा इकबाल को लिखा कि गुजर इनका हो कब आलम अल्लाह अकबर में, गुजर इनका जो इस तरह की तालीम हासिल किए हुए हैं, गुजर इनका हो कब आलम अल्लाह अकबर में, कले पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। और इसी को कहा क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली मर गए। अल्लामा इकबाल इस बारे में कहा करते थे, उनको लिखा उन्होंने इकबाल नामा हिस्सा दोम सफा नंबर 73 पर यह खत मिलता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फलसफा पढ़ाने के लिए मिस्टर मेंग की जगह मुझे फलसफा पढ़ाने के लिए दिया गया है, ये फलसफा क्या है, ये फलसफा मायूसियों और नाकामियों का अफसाना है, लेकिन ये लड़के मेरे पास आ जाते हैं तो मैं इनके जहन में मजहबी नुक्ते नजर डालने का मुझे एक मौका मिलता है। इस बात से भी पता चलता है कि अल्लामा इकबाल की फिक्र अज अव्वल ता आखिर, अल्लामा इकबाल इस बात को लेके चलते थे और इस बात को कहते थे। जरा ये अशार सुनिएगा, क्योंकि अशार आप समझ गई और आप समझ गए तो उसके बाद से फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, गुल का मतलब फूल, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सच्चा के बुलबुल की, बुलबुल का दिल टूटा हुआ है तो ए फूल तुझसे क्या मतलब, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सच्चा के बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो यानी इज्जत के साथ जीना है अगर जिंदगी में, अल्लामा इकबाल कहते हैं तमन्ना आबरू की हो गुलजार अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, कांटों में रह करके जिंदगी गुजारने की आदत डाल दो, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, नहीं ये शान खुददारी, एक फूल दीजिए, नहीं ये शान खुददारी मेरे ही में सब तोड़ के दीजिए क्योंकि मेरा फूल है, दीजिए, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दोस्तार में रख ले कोई जेबे गुलू कर ले। ये कहा अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मुसलमान नौजवान के लिए, फिर से सुनिए, नहीं ये शान खुददारी कि चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले कोई जेबे गुलू कर ले, अगर मंजूर हो तुझको खजाना आशना कर ले,
अगर मंजूर हो तुझको खजाना आशना रहना, यानी मतलब क्या कह रहे हैं अल्लामा इकबाल, पहली बात तो यह कह रहे हैं कि इज्जत यही है, वही फूल इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वही फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तो किसी ने कहा तो पूरे मुरझा जाते हैं, जाहिर सी बात है जो मुरझाएगा फेंक दिया जाएगा, जो ताजा रहेगा हमेशा रहेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इसके साथ साथ तुमको मालूम होना चाहिए कि एक न एक दिन खजा भी आएगा। अगर मंजूर हो तो उसको खजा ना आश ना रहना, जहाने रंग बूर से पहले कतए आरजू कर ले, उम्मीद छोड़ देना तब ये काम करना। अल्लामा इकबाल इस सिलसिले में ये पैगाम देते हैं और ये बहुत अहम पैगाम है, इसको सिर्फ सुनिए, इसका तर्जुमा मत सुनिएगा। खुदाए लम यजल का दस्त कुदरत और ज़बान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवा तू है, मका फानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। फिर से सुनिए, सबक फिर पढ़ सदाकत, अबू बकर का सबक पढ़ो, शेर का मफहूम समझिएगा। इस एक मिसरे के अंदर खुलफाए राशिदीन का तस्करा है, अबू बकर सिद्दीक का सबक पढ़ो, उमर फारूक की अदालत पढ़ो और हजरत अली की शुजात पढ़ो, तब इमामत मिलेगी। ऐसा नहीं कि शेर पढ़ने से इमामत मिल जाएगी। फिर सुनिए, सबक फिर पढ़ अदालत सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है। फितरत का मतलब अल्लाह का पर्पस यही है, मुसलमान की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ मुस्लिम, ये क्या है, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, उहुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुदाने रंगों खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी न ईरानी न अफवानी, गुमाने गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मर्द मुसलमान का। इस शेर को समझाएंगे आपको, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्दे मुसलमान का, क्या यानी आबादी में इंसानों के दरमियान मुसलमानों पर इतना यकीन होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए। अल्लामा कहते हैं गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्दे मुसलमान का, बयाबा की शबी तारीख में किंदील रहबानी, यानी जंगल के अंदर इंसान भटक गया तो किसी राहिब किसी इबादत गुजार का जो दिया रास्ता दिला दिखाता है वो मुसलमान का किरदार है। मिटाया कैसर किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, मिटाया कैसर किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था, जोर हैदर फख्र बूजर सिद्क सलमानी, गुलामी में नकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, विलायत पादशाही इल्म आशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है फकत एक नुक्ता है ईमान की तफसीरें, बराहिमी नजर मुश्किल मगर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, और हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत, समझिए पहले इसको, यकीन मोहकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यकीन मोहकम, यकीन मोहकम की मीनिंग अकायदे नसफी में समझ में आती है। अकायदे नसफी में शेख नजमुद्दीन अलैहि रहमा ने समझाया है, ईमान तीन कैफियतों का नाम है, ईमान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्टेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेस्टेशन बाय हार्ट एंड माइंड, तस्दीकुम बिल जिनान, पूरा यकीन अल्लाह का हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, एक अल्लाह है और एक ही है और एक ही रहेगा, तस्दीकुम बिल जिनान, और उसके बाद इकरारुम बिल लिसान, अटेस्टेशन बाय द टंग, उसको जबान से इजहार करना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद फिर अटेस्टेशन बाय लिम्स वल अमल बिल अरकान, उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरी जिंदगी गुजारना। तो यही है यकीन मुहकम अमल पे हम, ये दोनों काम हो गए तो फिर मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये था अल्लामा इकबाल का पैगाम। आइए कुछ और एक दो चीजें आपको अल्लामा इकबाल के पैगाम में तालीम के नजरियात को बताते हुए एक शिकायत अल्लामा इकबाल करते हैं, उसको बता करके अपनी बात मैंने खुद ही कहा खत्म कर रहे हैं। तो तीन चीजें आ गई, पहली चीज पांच पिलर्स याद रखिएगा, दूसरी चीज
अल्लामा इकबाल की शख्सियत के पहलुओं में अल्लामा इकबाल ने निसाब साजी किया, और तीसरी चीज अल्लामा इकबाल ने जो पैगाम दिया कि उनके अल्लामा इकबाल के तालीमी पैगाम के अंदर नौजवान नस्ल के जो पैगाम थे, उस नौजवान नस्ल के पैगाम में खुद को पहचानना और ईमान और यकीन पर अमल करना। और अल्लामा इकबाल ने खास तौर पर यूरोप के निज़ाम तालीम को जो कहा वही कहकर के अपनी बात को पूरा करेंगे। और आपका काम अभी अधूरा रहेगा, उसके बाद फिर कभी बुलाइएगा, आगे वाला काम इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। वो ये था कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि चश्मे हैवा में है ये जुल्मान, राना ये तामीर में, रौनक में, सफा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत, जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मफाजात, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीमें, मुसावात और गिले बिना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आइए हम अल्लामा इकबाल की निस्बत से बैठे हैं, दो फराइज हमारे ऊपर आयद होते हैं, एक तो ये है कि अपने एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्मेशन लेकर के आए, और दूसरे माफी के साथ अगले साल अगर हम जुड़ रहे हैं तो अगर बगैर उर्दू पढ़े हुआ है तो हम मुनाफिक कहलाएंगे यौम उर्दू के। अपने आप को उर्दू सीखने के लिए आज से लाजिम कर लें, इतने मुश्किल से मुश्किल एंड्रॉइड फोन संभाल कर लेते हैं और साल भर के अंदर अलिफ अबजद उर्दू के नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना लाजिम है और फर्ज है। अगर उर्दू हमने नहीं पढ़ाया तो कल अल्लामा इकबाल के अशार जब पढ़ेंगे तो अल्लामा इकबाल के अशार को समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म के सजाने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर तक सुना, अल्लाह ताला ने जो हक कहलवाया उस पर कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आमीन, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।